हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स तो आज हम यहाँ पर देखेंगे आईओ का एपिसोड नंबर फोर और इसमें बातें कर रहे हैं हम वो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग जो एग्जाम में रिलेटेड कंसेप्ट आस किए जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आईओ क्यूएम के हम सोल्व कर रहे हैं ओके तो आज जो मैक्सिमम हमारा पोर्शन होगा उसमें क्वेश्चन देखेंगे टिग्नोमेट्री से किस तरह से क्वेश्चन आस किए जाते हैं और कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से किस तरह से क्वेश्चन आस किए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं ओके ग्रेट ग्रेट इससे प्रीवियस एपिसोड वन टू थ्री में हम ऑलरेडी प्रैक्टिस काफ़ी क्वेश्चन की कर चुके जो विद्यार्थी नहीं देखा वो जरूर जाकर देख लेना जिससे आपकी बेसिक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हो जाए अल्जबरा वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी बातें हम वहाँ पर देख चुके हैं यहाँ पर भी यह आप मेरे साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कोई भी रिलेटेड डाउट होता है डायरेक्ट आप शेयर करेंगे ठीक है आज कुछ क्वेश्चन को हम वेरी क्विक सॉल्व करने वाले हैं कुछ कैलकुलेशन पार्ट को आप खुद भी सॉल्व करेंगे ओके तो मैक्स टू मैक्स ट्राई करेंगे विद इन शॉर्ट टाइम ग्रेट ग्रेट एवरीथिंग इज ओके बट चलो स्टार्ट करते हैं जैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गेवन है आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन है एक्स इजिकल टू समथिंग कॉस वन डिग्री कॉस टू डिग्री कॉस थ्री डिग्री एंड सॉन कॉस ऑफ एट्टी नाइन डिग्री वाई जिकल टू कॉस टू डिग्री कॉस सिक्स डिग्री एंड सॉन कॉस ऑफ एट्टी सिक्स डिग्री देन वट द वैल्यू ऑफ दिस वन टू बाई सेवन लॉग बेस टू बाई बाई एक्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ सिम्प्लीफिकेशन हम लोग कर लेते हैं जैसे एक्स इजिकल टू समिंग वन है कॉस ऑफ वन डिग्री कॉस ऑफ टू डिग्री कॉस ऑफ थ्री डिग्री कॉस ऑफ फोर डिग्री अप टू अप टू अप टू कॉस ऑफ एट्टी नाइन डिग्री गेवन तो कॉस ऑफ एटी नाइन डिग्री को क्या हम ऐसा राइट कर सकते हैं कॉस नाइन्टी माइनस वन डिग्री या कर सकते हैं कॉस नाइन्टी माइनस क्या होता है ओके गुड है ना क्या हो जाएगा साइन वन डिग्री हो जाएगा गुड तो ये मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ वन डिग्री अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन वन डिग्री को इधर ले आया तो साइन ऑफ वन डिग्री ऐसे ही अगर कॉस ऑफ टू डिग्री के बने तो कॉस ऑफ एट्टी एट टर्म रही होगी एट्टी एट डिग्री कॉस ऑफ एट्टी एट क्या हो जाएगा साइन ऑफ टू डिग्री तो कॉस टू डिग्री साइन टू डिग्री एंड सो ऑन कॉस ऑफ फोर्टी फोर डिग्री साइन ऑफ फोर्टी फोर डिग्री ऐसा मिल गया होगा और साथ में ये हमें मिला होगा यहाँ पर क्या कॉस ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री ये टर्म एक एक्स्ट्रा रहेगी ना ओके हाँ क्योंकि एट्टी नाइन टर्म है ना तो डबल पेयर बनाए तो फोर्टी फोर तो पेयर बन गए और एक एक सिंगल टर्म बचेगी यहाँ पर अब इसको देख लेते तो इसको सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा तरीका कि हमें पता है साइन टू डीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है तो साइन टू डीटा साइन टू डीटा होता है टू साइन टीटा और इन टू कॉस टीटा तो अगर टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दें तो ये एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा इसके लिए हम करते क्या है जैसे फोटी फोर पेयर है तो टू का मल्टीप्लाई फोर्टी फोर टाइम्स करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ कर देता हूँ टू टू पावर मल्टीप्लाई टू टू पावर मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू टाइम्स डिवाइड बाई ट्वेंटी टू टाइम्स हैं ऐसा कर दिया इससे क्या मिलेगा ये मिल गया वन बाई टू टू द पावर ट्वेंटी टू अच्छा ये अब कॉस ऑफ फोर्टी फाइव की वैल्यू में पता होती कितनी होती है वन बाई रूट टू तो वन बाई रूट रूट टू दी पावर हाफ हो जाएगा तो ट्वेंटी टू पॉइंट मैं फाइव बोल देता हूँ इसको न? ऐसा हो गया ओ ओ ओ सही बोलो बेटा 44 फोर टार में ना 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सही बात सही बात है 44 से मल्टीप्लाई 44 से डिवाइड कर दिया तो 44.5 बन गया ना अच्छा ये क्या बन जाएगा साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री एंड सो ऑन साइन ऑफ 88 डिग्री ऐसा बन गया हम इसको फर्दर चेंज कर लेते हैं साइन ऑफ एटी डिग्री को लिख सकते हैं कॉस ऑफ टू डिग्री है 2 degree, ना और ये है साइन टू डिग्री तो वन अपॉन टू टू पावर फोर्टी फोर पॉइंट फाइव या साइन ऑफ टू डिग्री और कॉस ऑफ टू डिग्री साइन ऑफ फोर डिग्री कॉस ऑफ फोर डिग्री एंड सोन किया यहाँ पर क्या मिलेगा साइन ऑफ हम्म टू फोर फोर्टी फोर डिग्री ठीक है सही है ना लास्ट वाली टर्म फोर्टी फोर डिग्री फोर्टी फोर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फोर्टी फोर और कॉस्ट ऑफ़ फोटी फोर डिग्री ऐसा कुछ मिल गया अगेन इसमें मल्टीप्लाई क्योंकि क्या पेयर बन गए ट्वेंटी टू पेयर बन गए तो ट्वेंटी टू पेयर बनाने के लिए आप क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे अगर टू टू द पावर ट्वेंटी टू से और डिवाइड भी कर रहे टू टू पावर ट्वेंटी टू और जैसे ही ये मल्टीप्लाई किया तो हर पेयर में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये मिल जाएगा बन अपॉन टू टू द पावर सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव और ये मिल गया साइन ऑफ फोर डिग्री ये साइन ऑफ एट डिग्री साइन ऑफ फोर ट्वेल्व डिग्री एंडस ऑन साइन ऑफ एट्टी एट डिग्री है ना ऐसा मिल चुका होगा ठीक है अच्छा बाई को देख लेते हैं बाई क्या बने यहाँ पर कॉस ऑफ टू डिग्री कॉस ऑफ सिक्स डिग्री एंड ऑन समथिंग ये बना तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कैसे अगर साइन ऑफ़ एट्टी एट डिग्री है इसको लिखते हैं साइन नाइन्टी माइनस टू डिग्री तो ये तो बन जाएगा कॉस ऑफ टू डिग्री ओके okay. इससे जस्ट प्रीवियस वाली टर्म क्या रही होगी 84 तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ सिक्स डिग्री इधर आके देखा जाए तो साइन ऑफ फोर साइन ऑफ फोर को लिख सकते हैं एट्टी सिक्स कॉस ऑफ एट्टी सिक्स डिग्री है, है ना तो ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू क्या हो रही है वाई मिल रही है क्या हो गया वाई और एक किसके इक्वल चल रहा था एक्स इक्वल चल रहा था तो एक्स इज इक्वल टू तो समिंग आपको गेबन है इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई विच इज वन अपॉन टू टू पावर सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव ऐसा कुछ मिल रहा है है ना अच्छा इसको हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं इसमें पुट करना है मुझे तो ये मिलेगा टू डिवाइड बाई सेवन लॉग बेस टू और विच इस लाइक रेशीपाकल ऑब्जिस टू टू दावर सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव बेस बेस विल बी कैंसल आउट सो टू डिड बाई सेवन सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव वन थर्टी टू कितना हो जाएगा नाइनटीन 19, ठीक है तो ऐसे हम इसको फाइंड कर लेंगे क्वेश्चन आसान था आ, आसान तो बोल सकते हैं बेसिक लेवल बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत हमें के बेसिक फंडामेंटल आने चाहिए बेटा हमें यहाँ पर प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम डिस्कशन कर चुके हैं कहां पर जहां पर थ्योरी क्लास चल रहे हैं तो थ्योरी क्लास जरूर जाकर देख लेना इससे रिलेटेड है ना गुड 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 चलो और आगे चलते हैं जैसे ये प्रॉब्लम की है बहुत ही आसान है ना इसको बहुत कॉमन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है हमें पता होता है कि जैसे ए एस टी रूल फर्स्ट ऑल पॉजिटिव सेकेंड साइन एंड कॉसाइन साइन एंड कॉसैक थर्ड टेन एंड कॉट फोर्थ कॉस एंड सेक है ना ये जीरो डिग्री ये नाइन्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री और ये थ्री सिक्सटी डिग्री पाई में बात किया तो ये पाई जीरो ये पाई बाय टू ये पाई थ्री पाई बाय टू और ये टू पाई एंड सो ना अच्छा इसको क्या राइट कर सकते हैं मैं पता है टेन पाई वाई थ्री की वैल्यू क्या होती है तो टेन पाई वाई थ्री तो डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट थ्री होता है सिक्सटी डिग्री ये टू इंटू टेन ऑफ टू पाई वाई टू पाई वाई थ्री को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली कर करते है ना पाई माइनस पाई बाई थ्री कर रहे चलो कर देते हैं ऐसा ना फोर ये क्या हो जाएगा टेन ऑफ पाई प्लस पाव बाय थ्री हो जाएगा और ये एट टेन ऑफ थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री अच्छा अभी यहाँ से देख लेते हैं ये रूट थ्री वैल्यू मिल गई मुझे रूट थ्री टेन पाई माइनस सीटा क्या हो जाएगा सेकंड क्वारेंट और सेकंड में टेन क्या होगा नेगेटिव तो टू टाइम्स ओवर नेगेटिव रूट ओवर थ्री फोर इंटू पाई प्लस चीटा थर्ड क्वारेंट थर्ड में टेन क्या होता है पॉजिटिव तो फोर मल्टीप्लाई रूट ओवर थ्री एंड एट थ्री पाई माइनस और पाई माइनस चीटा बेची सेकंड क्वारेंट और सेकंड क्वारेंट में टेन क्या होता है अगेन नेगेटिव हो जाएगा और जैसे नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव ऑफ रूट ओवर थ्री अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको ना रूट थ्री फाइव रूट थ्री पॉजिटिव और नेगेटिव टेन रूट थ्री तो इट विल बिकम लाइक नेगेटिव ऑफ फाइव रूट ऑफ थ्री नेगेटिव ऑफ फाइव रूट थ्री आसान था God, 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 God. है तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो नेक्स्ट है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड देखो यह प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हो सकता है विद्यार्थी सर ये तो काफ़ी जगह देख रखी है लेकिन तो किस तरह से सॉल्व कैसे करेंगे वेरी क्विक क्या सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था थ्योरी के टाइम पर कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका होता है और वो तरीका आपको फॉलो करना है हाँ यहाँ पे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है एक सिंपल सा प्रॉब्बल होता है अगर इसकी रेडियस आर वन दे रखी आर टू दे रखी आर थ्री दे रखी है और यह इन सर्कल बोलते हैं इसको ना इन सर्कल किसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल को इंटरनली टच करता हूँ साइड्स को इंटरनली टच करता हुआ ड्रॉ करें और इसको बोलते हैं इन सेंटर इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एंगल वाइज सेक्टर का तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लेट्स से अगर इसके रेडियस आर गे बने हैं तो ये आर इज इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन ठीक है ऐसा कर लेंगे इनकी वैल्यू ऑलरेडी इसमें गे बने फोर नाइन बना तो आप लिख दें यहाँ से आर वन वन इंटू फोर फोर इंटू नाइन और नाइन इंटू वन है तो ये मिल गया आपको टू यहाँ से मिल गया सिक्स और ये मिल गया आपको थ्री तो उनसे डायरेक्टली एलेवन कोई भी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कभी भी अगर ऐसा अग्निवन है तो डायरेक्टली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कैसे आया बेटा फॉर्मूला ये ड्राइव देख चुके हम कहाँ पर थ्योरी क्लास में ठीक है अभी यहाँ पर डायरेवेशन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए डन चलो बेटा ना और आगे चलते हैं आ, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ज्योमेट्री में तो ध्यान रखना ज्योमेट्री से कई बार प्रॉब्लम इतनी आसान मिलेंगी कि आप क्विक उनको सॉल्व कर सकते हो जैसे ये प्रॉब्लम ये थी इसमें क्या आज किया अल्फा थीटा आज किया और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आस किया ना देखो एक आ, ये ऐसा दिखाई दे जब भी साइकिल क्वालिटल की बात हो तो हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर लें इसको एक पॉइंट सरकम पैनेंस पर लैट कर लें और हमने थ्योरम में स्टडी कर रखी है जो सेंटर पर बनाया हुआ एंगल इस एंगल का क्या होता है डबल होता है सरकम पैनस पर बनाया हुआ एंगल तो ये है जो फन फोर्टी तो ये कितना हो जाएगा सेवनटी हो जाएगा अच्छा इस पॉइंट को मैं डी लेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साइकिलिक क्वाटलेटल ए बी सी डी में अपोजिट एंगल का समेशन क्या होता है वन एट्टी डिग्री होता है सो कैन बी राइट लाइक एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन आपको यहाँ पर थीटा आस किया है और ये एंगल पता है सो कैन बी राइट लाइक एंगल बी विच इज थीटा थीटा प्लस सेवनटी इज इक्वल टू वन एट्टी इट मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी वन एट्टी माइनस सेवनटी वन वन एक आंसर तो ये मिल चुका ठीक है अच्छा दूसरा क्या आस किया है आपसे अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना तो एक साइकिल क्वाडिटल में आ, एक कोई भी क्वाडिटल हो उसके ऑल एंगल का समीशन क्या होता है वन एट्टी होता है तो इन क्वार्टल ए बी सी ओ में हम हमेशा बोल सकते हैं अल्फा प्लस टीटा प्लस बीटा प्लस वन फोर्टी इजिकल टू क्या होना चाहिए थ्री सिक्सटी अच्छा टीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके बिच इज़ वन टेन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू हो जाएगा थ्री सिक्सटी माइनस वन टेन प्लस वन फोर्टी टू फिफ्टी इट विल बिकम ऑल्सो वन टेन तो आपसे दोनों ही वैल्यू आज की दी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड टीटा दोनों ही हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिए आसान है बेटा आसान प्रॉब्लम भी मिलेगी ना तभी बोलूंगा कि आप आईओ क्यू एम के जब भी पेपर दे रहे हो वैसे हम कल पेपर अटैम्प्ट की स्ट्रेटजी भी देखने वाले हैं साथ में आप क्या करें जब भी पेपर अटैम्प्ट करें तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो जस्ट उसको स्किप कर रहे उस समय ना या जब उसको जो सेकेंड अटैम्प्ट में अटैम्प्ट करें तब तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो ठीक है चलो और आगे चलते हैं जैसे ये गेबन बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ना इसको मैं स्टार बोल दूँ कि स्टार लगा लेना इस प्रॉब्लम पर देखो इसमें कैसे अच्छी है क्या है इसमें कुछ खास ऐसा क्या है इसमें हम यूज करने वाले हैं क्या साइन रूल और कोसाइन रूल तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन रूल को रूल के बारे में पता होना चाहिए जैसे मुझे कुछ ऐसा गेबन है लेट से ये एंगल के बारे में बात करें तो हम कुछ ऐसा राइट कर सकते हैं यहाँ से इसका अपोजिट साइड कुछ गेबन है मुझे जैसे साइन ऑफ एक्स डिबाइड बाई इसकी अपोजिट साइड क्या वन ट्वेंटी फाइव तो लिख सकते साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई वन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू साइन ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू वन नाइन्टी फाइव ऐसा कर दिया ना कर सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं अच्छा अगर मुझे ऐसा पता चल जाए जैसे ये एंगल पता है और अगर तीनों साइड्स पता हो तब तो हम तो एंगल फाइंड कर सकते कोई सा भी एंगल तो मुझे सी फाइंड करना है ना और एक एंगल अगर मुझे पता चल जाएगा यहाँ से एक्स की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं देखो कैसे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ से बताओ कॉस ऑफ एक्स डिग्री इज इक्वल टू अगर याद हो तो फार्मूला वैसे याद है जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा कि कॉस ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है कॉस ऑफ ए को हम लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू टाइम्स ओवर बी सी ऐसा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दिस स्क्वायर वन ट्वेंटी फाइव स्क्वायर प्लस वन नाइन्टी ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नहीं और आसान बना दो उसको ना ऐसा लिख देते हैं वन नाइन्टी फाइव स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वन ट्वेंटी फाइव स्क्वायर है। ऐसा कर दिया डिवाइड बाई टू टाइम्स ओवर वन नाइन्टी फाइव इन टू सी ऐसा तो अगर कॉस ऑफ एक्स डिग्री अगर पता चल जाए तो एक ही अननोन है मेरे पास वो क्या है सी तो सी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं है ना अच्छा कॉस ऑफ एक्स पता करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम यहाँ से क्या ये लिखा हुआ है साइन ऑफ थ्री एक्स डिवाइड बाई इसको इधर नीचे ले जाता हूँ साइन ऑफ एक्स इजिकल टू हो जाएगा वन नाइन्टी फाइव डिवाइड बाई वन ट्वेंटी फाइव है साइन थ्री डीटा का फार्मूला हमें आता है साइन थ्री ए टू क्या होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ऐसा होता है और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर फाइंड कर ले तो ये मिल गया मुझे थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इसको फाइव से कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा थर्टी एट थर्टी नाइन है थर्टी नाइन और ये हो गया ट्वेंटी फाइव है ना ऐसा ये मिल गया थ्री माइनस फोर साइन स्क्वेयर एक्स इजिकल टू थर्टी नाइन डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस आप उधर ले गए और डिवाइड कर लें तो माइनस फोर साइन स्क्र एक्स इज एकल टू थर्टी नाइन ट्वेंटी फाइव माइनस ऑफ थ्री तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव नेगेटिव नेगीट नगेटिव पॉजिटिव तो साइन स्क्र इज एकल टू हो गया आपका थर्टी सिक्स डिवाइड बाई हंड्रेड का रूट ओवर है ना साइन टी डा टू बिकम लाइक थ्री बाई फाइव तो सैंडीटा की वैल्यू मिल गई आपको थ्री बाई फाइव तो कॉस्टिटअप भी बेहद आसान हो गया क्या बाय द ट्रिपलेट्स कितना हो जाएगा फोर बाई फाइव तो फोर बाई फाइव ऑफ समथिंग है अच्छा इसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए आप एस का भी माइनस बीज भी यूज़ कर सकते हो वन नाइनटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव और इंटू वन नाइन्टी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फाइव और प्लस सी स्को और डिवाइड बाई समथिंग है ना इसको कैंसिल आउट भी कर दो आप है ना इस फाइव से इस फाइव को भगा देते हैं तो ये थर्टी नाइन और टू इंटू थर्टी नाइन तो क्या सेवेंटी एट सी ऐसा कुछ बचा अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड कर लेंगे ठीक है लास्ट टू डिजिट का अच्छा ए तो तो की लेंथ पूछी थी हाँ तो यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको फाइंड कर लिया हाँ बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथनी होगी ना हाँ आंसर क्या आएगा आंसर आएगा वन वन टू दो फैक्टर मिलेंगे जिसमें वन वन टू ये रहा होगा चेक कर लेना कैलकुलेशन करेक्ट नेक्स्ट देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ए बी सी डी एक ट्रैंगल दे रखा है उसमें ए सी नाइन्टी डिग्री है ए सी नाइन्टी बोल सकते ये क्या हो गया बी हो गया क्या दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सी टू ए बी ओके एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है मैंने यहाँ पर ड्रा किया ए बी पर इसको मैं एक्स बोल देता हूँ और इसी की लेंथ वो करवा रहा था ए बी दे रखा है इसने वन सिक्सटी नाइन और ये गेबन है आपको वन फिफ्टी सिक्स है अगर ये मुझे मिल जाए क्या सी बी तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा कैसे तो सी बी तो फाइंड कर सकते हैं बाय द क्या हो जाएगा सी बी इज इक्वल टू रूट ओवर वन सिक्सटी नाइन स्क्वायर माइनस वन फिफ्टी सिक्स स्क्वायर देखो तो इसको स्क्वेयरिंग मत किया करो है ना ऐसे फाइंड कर लिया करें अगर इसको प्लस करें और माइनस करें तो अगर प्लस करेंगे तो फाइव पंद्रह और सोलह इकतीस बत्तीस और सप्रेट करें थर्टीन है इसके अगर फैक्टर करोगे आप तो ऐसा मिल रहा है थर्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव और थर्टीन है तो मिल गया आपको थर्टीन स्क्वेयर और ट्वेंटी फाइव तो सिक्सटी फाइव अच्छा सी बी मिल गया आपको सिक्सटी फाइव तब तो बेहद आसान हो गया क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ राइटेंगल ट एंगल हाफ बेस इंटू हाइट तो हाफ बेस 65 फाइव हाइट वन इज इक्वल टू अगर मैं इसको बेस मान लूँ कि इसको ए बी को बेस तो ये हाइट हो जाएगी इसकी क्योंकि इसने बोला एक परपेंडिकुलर है ना तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं 1 बाई टू वन और मल्टीप्लाई ऑफ एक्स 1 बाई टू वन बाई टू कैंसिल आउट 13 से कैंसल आउट कर देते हैं फाइव टाइम्स थर्टीन से कैंसल आउट कर देते हैं थर्टीन टाइम्स और थर्टीन सेवन कैंसल आउट करते हैं इसको वन टाइम्स टू टाइम्स तो एक्स की वैल्यू मिल गई कितनी 60. ये हमारा आंसर रहा होगा करेक्ट आसान था सिमिलरिटी बना के बेटा कर सकते हो लेंथ ही नहीं जाना ना आप क्या इस करो इस दोनों को सिमिलर प्रूव करोगे फिर साइड बाई साइड का रेशियो फाइंड करो इट्स बेटर देन कि आप डायरेक्ट यूज कर लें इक्वेट करते हैं एरिया ट्रायंगल ओके नेक्स्ट बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है एक रेक्टेंगल दे रखा है उस रेक्टेंगल में ए ई नाइन दे रखा है इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी फाइन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो कुछ ऐसा लेट कर लेते हैं एक रेक्टेंगल ए बी सी और डी इसने बोला है कि ए से ई पे ई एक मिड पॉइंट है किसमें बी साइड में यहाँ पर और इसकी इसने लेंथ गिवन कर रखी कि इतनी नाइन है ना तो इसको मैं ए लेट कर लेता हूँ ये साइड अगर बी है तो आपको ये भी गेबन ए बी ए बी सी बी और सी डी अगैन ए इक्वल टू ट्वेंटी गेबन है इट मीन्स टू ए प्लस बी की वैल्यू आपको ट्वेंटी गेबन है एक इक्वेशन तो पता है फिर तो बहुत आसान हो गया अनदर इक्वेशन कैसे फाइंड कर लेंगे ए बी एक राइटेंगल टैंगल है कौन सा इन टैंगल ए बी ई ए बी ई तो इसमें क्या यूज़ हो जाएगा थ्योरम हमने लगाया अच्छा ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली ये वाली साइड क्या रही होगी बी बाई टू और ये भी क्या रही होगी बी बाई टू तो ऐसा कुछ हो जाएगा ए स्क्यर प्लस बी बाई टू हॉल स्क्वायेयर एजिकल टू नाइन स्क्र कर लेते हैं सिम्प्लीफाई फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर ए स्क्र प्लस बी स्क्र इजिकल टू एट्टी वन मल्टीप्लाई फोर थ्री टू फोर है ऐसा मिल गया ये इक्वेशन वन है वन का अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी इजिकल टू फोर हंड्रेड लेट से नंबर वन दिशी देख क्वेश्चन नंबर टू मैं वन माइनस टू कर देता हूँ दे? है? है ना क्या करते हैं वन माइनस टू फोर स्क्वायर फोर स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर विल बी कैंसल आउट यहाँ पर क्या बचा फोर ए बी और फोर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवेंटी सिक्स हमें क्या चाहिए ए बी चाहिए ना एन टू बी तो यह बन गया नाइनटीन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल आसान था ये भी घट सॉल्व कर लिया था हाँ. हाँ कट कट है हाँ बेटा कर सकते हो इसको किसी ने टू बी लाइट किया तो भी एक ही बात है ना बी है ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी डन कट है ना चलो और आगे चलते हैं ये बेहद आसान प्रॉब्लम दे रखी थी ना व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ थ्री टू पावर जीरो तो थ्री पावर वन अल्जबरा रिलेटेड प्रॉब्लम थी देखो इसका एक जीपी दिखाई दे रहा है और इस जीपी में टर्म देखी जाए तो कितनी हो रही है अगर आ, ओके ओके नहीं पता फॉर्मेल चल देख लेते हैं ए आर ए आर ए आर स्क्वायर अप टू अप टू अप टू ए आर एन माइनस बन है ना ऐसा कुछ क्यों बन है मुझे तो हम बोल सकते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें ना तो ये वन से स्टार्ट एन और एक है तो टोटल टर्म होती है एन है ना तो ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन ये इसका समेसन हो जाता है वेन आर इज़ ग्रेटर देन ऑफ वन दे रखा हो तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो क्या हो रहा है थ्री हो रहा है तो हम क्या ऐसा कर सकते वन इन टू थ्री टू द पावर नंबर ऑफ टर्म कितनी हो रही है यहाँ पर टू थाउजेंड टेन माइनस ऑफ वन डिवाइड बाई थ्री माइनस ऑफ वन अच्छा 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 ठीक है किससे डिवाइड करवा रहे एट से तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं थ्री टू पावर टू थाउजेंड टेन माइनस वन डिवाइड बाई टू अच्छा इसको चेंज करना है तो इसको कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं मैंने बताया था आपको कि हम ऐसा फैक्टर में चेंज करें तो नाइन स्केर नाइन नाइन माइनस वन करें तो क्या हो जाएगा एट हो जाएगा तो अगर इसको लिखते हैं थ्री स्क्वेयर टू द पावर वन थाउजेंड फाइव तो चलेगा एक ही बात है और इसको भी हम ब्रेक कर दें थ्री स्क्वायर को नाइन नाइन को लिख सकते हैं एट प्लस वन और इसका एक्सपेंसनम हमें आता है ना इसका हमें आता है क्या करेंगे जैसे वन आया पहले फिर क्या आएगा वन थाउजेंड फाइव मल्टीप्लाई एट फिर जो भी टर्म आई होगी उसमें क्या एट स्क्वायर का मल्टीपल आ रहा होगा है ना एट स्क्वायर का मल्टीपल आ रहा होगा लास्ट में क्या आ रहा है माइनस वन और डिवाइड भी क्या हो रहा है टू देखो तो बंद से बंद को तो भगा देंगे है ना अब बचा क्या मेरे पास सिर्फ इसका 1008 थाउजेंड एट मल्टीप्लाई ऑफ समथिंग अच्छा इसमें भी डिवाइड बाई टू हो रहा है तो डिवाइड बाई टू किया तो वन ये हो गया फोर फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर थाउजेंड ट्वेंटी ये एक नंबर बचा बाकी तो सारे डिवीजल होगा हो किससे एट से क्योंकि एट के फैक्टर इसमें मिल रहे हैं तो एट से डिवाइड कर देते हैं इसको जैसे हमने एट से डिवाइड किया डिविजिबल है सिक्सटीन फोर फोर रिमाइंडर आया बस तो आपसे क्या पूछा रिमाइंडर तो रिमाइंडर विल बिकम फोर काफ़ी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं काफ़ी क्वेश्चन हमने एपिसोड वन जीरो टू में भी देखे है। ठीक है गुड 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 एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता है तो हमारी तैयारी और भी स्ट्रांग होती जाती है काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने लगता होंगे अच्छा ये तो आता है ये तो देखा हुआ है हमारा देन चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन दिस वन देन फाइंड द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द पैरामीटर ऑफ दिस वन देखो बहुत ही आसान होता, एक होता है ऐसा क्वेश्चन साइन रूल यूज़ करेंगे आपको पता है इसको एंगल क्या एलिट कर लें फोर एक्स एक्स और ये क्या एक्स है सबका समेशन करके इसके इक्वल होता है वन एट्टी का इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई थर्टी इट मीन्स एंगल क्या हो गया फर्स्ट एंगल वन ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री और थर्टी डिग्री बाय द साइन रूल क्या होता है ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बी डिवाइड बाई साइन ऑफ बी सी डिवाइड बाई साइन ऑफ सी इज टू एनी कॉन्स्टेंट के अपन लेट कर सकते हैं तो यहाँ पर ए अगर मुझे साइड फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा के इंटू साइन ऑफ वन ट्वेंटी बी हो जाएगा के इंटू साइन ऑफ थर्टी और सी हो जाएगा के इंटू साइन ऑफ थर्टी वन ट्वेंटी की वैल्यू साइन वन ट्वेंटी वन एट्टी माइनस सिक्सटी विच इस के इंटू रूट थ्री बाई टू और ये होगा के इन के बाई टू और ये क्या होगा के बाई टू आपसे क्या पूछा है पेरीमीटर का रेशियो डिवाइड डि वन द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट साइड तो ग्रेटेस्ट साइड कौन सी हो रही है ये वाली हो रही डिवाइड बाई समेसन ऑफ़ ऑल साइड्स तो हम कर देते के इंटू रूट थ्री बाई टू डिवाइड बाई के इंटू रूट थ्री बाई टू के बाई टू प्लस के बाई टू के को बाहर लेके भगा दो क्या बचा यहाँ पर रूट थ्री प्लस टू प्लस रूट ओवर थ्री इसको चाहूँ तो और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कैसे मैं टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई और टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमिनेटर दिस विल बिकम लाइक वन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड न्यूमिनेटर पार्ट विल बी टू रूट ओवर थ्री माइनस ऑफ थ्री ये आपका आंसर रहा होगा इट गोड गुड है ना ठीक है तो इससे रिलेटेड अब ऑलमोस्ट हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटा काफ़ी हम प्रैक्टिस कर ली साथ में आपको यहाँ पर और प्रैक्टिस के लिए सीट अटैच है टेलीग्राम ग्रोफ आई ओ की टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को ज्वाइन करके वहाँ से आप सीट और डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर हमने अटैच कर रखे हैं क्वेश्स और कंसेप्ट तो है ही साथ साथ में कल हम देखने वाले हैं कि आई यू क्यूएम की फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए किस तरह से हमें पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए क्या क्या वो प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान रखनी चाहिए क्या क्या वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें लर्न करके जानी चाहिए या वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए वो सारी बातें देखेंगे कल हमारा फाइनल लाइव सेशन होगा जिसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटी देखेंगे साथ साथ में एग्जाम में किस तरह से एक अच्छे स्कोर को हम परफॉर्म कर सकें ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट फाइनल सेशन में तब तक लिए टेक केयर ऑल द बेस्ट